हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड पोस्ट दोस्तों रशिया और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स और इसके पॉलिटिकल इफेक्ट की वेल यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मैं सिंपल टर्म्स में ईजी वे में आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने एक नया ड्रिल ऑर्डर किया है और यह कोई आर्म ड्रिल बिल्कुल भी नहीं है ये ड्रिल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज करती है जो किसी वॉर को ना और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगे ये रशियन मिलिट्री ड्रिल्स रशिया के सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रही है जो यूक्रेन के बॉर्डर के पास है यानी कि एक तरह से ना रशिया यहाँ पर यूक्रेन और वेस्ट को एक वार्निंग दे रहा है परसों ये ड्रिल्स का पहला स्टेज था जिसमें प्रिपरेशन की गई थी इसमें फेक वॉरहेड्स को लॉन्च व्हीकल में लोड किया गया और ये व्हीकल्स को लॉन्च साइड तक ले जाया गया फिर रशियन सोल्जर्स ने मिसाइल को वॉरप्लेन पर लोड कर कर ड्रिल स्टार्ट किया था अभी आपके दिमाग में नए क्वेश्चन आना चाहिए कि जी आखिर एक टैक्टिकल न्यूक्स होते क्या है हमने तो न्यूक्लियर बम का नाम सुना था जो जापान के हीरोशीमा नागासाकी पर डाला गया था एक और हमारा सवाल यह है कि रशिया अभी इनकी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है मतलब क्या जरूरत पड़ गई रशिया को तो देखिए जी पहली बार जो हीरो नागासाकी पर बम डाला गया था वो स्ट्रेटेजिक बम के लिस्ट में आता है टैक्टिकल न्यूक्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्स में बहुत ज्यादा फर्क है स्ट्रैटेजिक वेपन्स बड़े बम्स होते हैं जो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होते हैं लेकिन टैक्टिकल वेपन छोटे छोटे होते हैं पर टारगेट किए हुए एरिया पर ना बहुत ज़्यादा काफ़ी डैमेज पहुंचा सकते हैं और कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी टेक्टिकल वेपन्स बनाए गए थे रशिया के पास आज के समय तकरीबन दो हज़ार से ज़्यादा टेक्टिकल न्यूक्स मौजूद है जबकि यूएस के पास दो सौ से भी कम है इससे आप फर्क देख सकते हैं रशिया इसमें कितना लीड करता है गाइस देखो आगे बढ़ने से पहले ना हमें ये समझना ज़रूरी है कि पुटिन को क्या ज़रूरत पड़ गई है और मॉस्को ये ड्रिल्स अब क्यों कर रहा है वेल well, देखिए जी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये ड्रिल्स रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेनिटी को एंश्योर करने के लिए है और वेस्टर्न ऑफिशियल्स के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और थ्रेट्स के रिस्पॉन्स में हैं पुटिन पहले भी अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं जैसा कि फेब दो में ही इन्वेजन के तुरंत बाद पुटिन ने एक्टिव कर दिया था और फिर मार्च 2023 में भी उन्होंने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस करने की बात करी थी आप ये डिप्लॉय किए गए हैं क्योंकि गाइस जब माहौल ऐसा था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव होने वाला था तो पुतिन ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किया इस ड्रिल में ना तकरीबन तीन हजार से ज्यादा रशियन सोल्जर्स शामिल है जो मेनली इसका और किन्जाल मिसाइल यूज कर सकते हैं आप सोचिए गाइस यहाँ हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड थाउजेंड टू थाउजेंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर तीन हजार से ज्यादा रशियन सोल्जर्स की बात हो रही है ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये वेस्ट को एक क्लियर वार्निंग दे रहा है अब यह देखना होगा कि वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा वेस्ट ने न्यूक्लियर ड्रिल्स को क्रिटिसाइज किया है पर वो पीछे हटने के मोड़ में तो नहीं दिखते क्योंकि पुरानी कहानी है गाइस तू करा मैं कर तू मैं करा तू भी कर यहाँ पर एक दूसरे की अच्छी तरह से पिटाई हो रही है कैसे तो देखिए जी पुटिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर का मूव कर, कर वेस्ट को हिला डाला तो वेस्ट ने भी पुटिन को हिला डाला है जी हाँ अभी आप लोग कहोगे क्या पुटिन को हिला डाला नहीं 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 जाओ 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 भरोसा नहीं होता आज के टाइम ईरान से ज्यादा रशिया पर सैंक्शन है फिर भी व्लादिमिर पुतिन ठीक है वो है तो कैसे तो देखिए जी मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप यूनियन ने रशियन एसेट्स को ना फ्रीज करके यूक्रेन को मिलिट्री एड देना शुरू कर दिया यानी रशिया का ही पैसा लेकर रशियन पैसों से हथियार खरीद कर वेस्ट यूक्रेन को दे रहा है पुतिन इसे चोरी कहते हैं और रशिया भी वेस्टर्न बैंक्स के एसेट सीज कर रहा है जवाब में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरमाइन करता है इंटरनेशनल लॉस का वॉयेशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है यहाँ पर तो ये थी आज की अपडेट्स गाइस रशिया और वेस्ट के बीच में बढ़ते टेंशन पर आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन कैसा खत्म होगी हमें आपके थॉट्स जरूर बताइए उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी मैं मेरा बेस्ट ऑफ ट्राई करा गाइस सुनने के लिए शुक्रिया अगली बार अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड इन्फॉर्म रहे और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर हियरिंग एंड गॉड ब्लेस यू